हेलो स्टूडेंट, मैं शाइन लूथरा। आज हम करेंगे क्लास 8 हिंदी मीडियम की मैथ्स की प्रश्नावली 8.3। इस प्रश्नावली के अंदर हमें जो है कुल राशि, चक्रवर्ती ब्याज, ये सब हमें जो है इसके अंदर निकालना है सारी प्रश्नावली में। तो इसका जो परिचय है, भूमिका जो मैंने इंट्रोडक्शन करवाया था, उसकी जो मैंने सबसे पहले वीडियो अपलोड की थी, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैंने उसमें सारा डिटेल में समझाया था। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको एक्सरसाइज प्रश्नावली आसानी से समझ में आ जाएगी। इसमें हमें दे रखा है कि निम्नलिखित के लिए कुल राशि और चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें मूलधन, समय और दर दे रखा है और हमें इसका मूलधन, समय और दर को आपस में कैलकुलेट करके फॉर्मूला लगा के हमने इसका कुल राशि और चक्रवर्ती ब्याज जो है वो निकालना है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा इसमें समझा देती हूँ। वैसे तो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में समझाया था, इसके अंदर जो हमारा मूलधन होता है, जिसको हम इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। मूलधन क्या होता है? जो आप किसी से पैसा उधार लेते हो, मान लो आपने यहां पे लिए 10,800, जैसे कि हमारा ए प्रश्न में है, ए पार्ट में 10,800 लिए। कितने साल के लिए आपने जो है वो पैसे लिए? 3 वर्ष के लिए, यानी कि 3 ईयर्स के लिए, 3 साल के लिए। और उसका जो दर है, यहाँ पे हो गया टाइम, दर क्या हो गया यानी कि रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है उसको हम हिंदी में हमारा क्या होता है, दर। कितने दर पे लिया है ये? उसकी 12% जो है, और हाफ इसकी जो है ये दर है, ठीक है, ये उसकी दर होगी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये वार्षिक दर है, पर एनम यानी कि वार्षिक, हर साल जो है उसके ऊपर इतनी दर लगेगी, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 12 दुनी 24 और 1 जमा करेंगे ऊपर से, तो 25/2 जो है वो वार्षिक दर हो गई। तो आपको ध्यान रखना है मूलधन, समय और दर, ये 3 चीजें हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है हमारा क्या निकालने के लिए, कुल राशि और चक्रवर्ती ब्याज निकालने के लिए। अगर हमारे पास ये तीनों चीजें हैं तो कुल राशि निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, जिसको हम लिखेंगे यहाँ पे कुल राशि, अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो लिखेंगे मूलधन, ठीक है, जमा 1, यहाँ पे हमारा मूलधन आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, फिर जमा आएगा, फिर यहाँ पे हमारा दर बटा में 100, और यहाँ पे हमारा टाइम का टी आ जाएगा, यानी आप समय भी लिख सकते हो। यहाँ पे मूलधन हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, 10,800, 1 हमने लिखना है, दर हमारी कितनी है 25/2, और गुणा हमारा 100 आएगा, क्योंकि 100 है ना हमारा, बटा में 100 आएगा, क्योंकि प्रतिशत में दे रखी है, तो जो प्रतिशत में होता है उसके लिए 100 तो हमारा आता ही है नीचे, और जो है 25/2 हमने यहां लिख दिया, और ऊपर हमारा समय कितना है 3 साल का, ठीक है। फिर से लिखेंगे 10,800, देख लो ये यहां पे कट सकता है, 25 एकम 25, 25 चौका 100, तो क्या बन गया, 4 को हमने 2 से गुणा किया तो कितना आ गया 8, 4 दुनी 8, तो क्या बन गया हमारा 1 जमा में 4 दुनी 8 है ना, 1/8 और ऊपर आ जाएगा हमारा 3, ठीक है, क्योंकि हमने इसको 25 से काट दिया, यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे 2 पहले था, 4 दुनी 8 कर दिया। अब 10,800 यहां पर हम जो है अब लेंगे एलसीएम, इसके नीचे 1 मान लेंगे लघुत्तम समावर्तक, 8 का हमने लघुत्तम समावर्तक लिया तो 8 आया, 1 को हमने 8 से भाग किया तो 8, 8 को 1 से गुणा किया तो तब भी 8, जमा 8 को 1 से भाग किया तो 1, 1 को 1 से गुणा किया तो 1, कितना आ गया 9/8। अब हमारा हो गया ये 10,800 9/8, कितने साल के लिए हो गया, 3 साल हमें समय दे रखा था। ये वाला प्रश्न अच्छे से समझ जाओगे, बाकी के आगे के जो सारे हैं वो सब एक जैसे ही हैं, लगभग कोई मुश्किल नहीं है, बस ये फॉर्मूला याद रखो और जहां पे कट सकता है वहां पे काट दो, यहां पे लघुत्तम समावर्तक लेना है, याद रखना हमेशा। अब ये हमें 3 साल के लिए इन्होंने बोला है तो हमें इसको 3 बार लिखना है, ठीक है, 3 साल के लिए निकालना है तो हम इसको 3 बार लिखेंगे। पहले 2 से काट लो, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, ऊपर से हमारा आएगा 2 दुनी 2 चौक 8 और 2 जीरो, फिर कट जाएगा 2 दुनी 4, फिर से कट जाएगा 2 दुनी 4, 2 सत्ते 14, 0 0, तो अब हमारे पास क्या आ गया 2700 और यहाँ पे हमारा 9/2 हो गया,
फिर नो आठ, नो आठ। अब ये कोई कट नहीं सकता इसमें से, ठीक है, कोई भी हमारा ये कट नहीं सकता। अब हम क्या करेंगे, 2700, 9, 9, 9, इन तीनों को पहले ऊपर गुणा कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 1968300। ये आपको गुणा करके देखना पड़ेगा और बड़े आराम से गुणा करना, मिस्टेक भी हो सकती है। फिर हम नीचे वालों को गुणा कर लेंगे, ठीक है, 8 8 64, 64 2 128। अब हमने इन दोनों को भाग दे देना, भाग देने के बाद जो हमारी कुल राशि आएगी, इन दोनों को भाग देने के बाद आएगा 1537734 रुपए, यानी कि कुल राशि होगी हमारी 15377 रुपए। अब उसने जो है 10800 रुपए लिए, ठीक है, 3 साल के लिए लिए, इतना परसेंट उसके ऊपर ब्याज लगा, इनकी 25/2, हर साल 25/2 जो है लगा। तो हमने जो कुल राशि निकाली, उसने लिया तो 10,800 था और उसने कितना वापस किया, 15,377 रुपए जो है उसने 3 साल के अंदर वापस किए। कितने एक्स्ट्रा पैसे जो हैं उसने वापस किए वो हम चक्रवृद्धि ब्याज में निकालते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए जो भी हमारा, जो हम कुल राशि निकालते हैं उसके अंदर से हम घटा देते हैं जो भी हमारा मूलधन होता है। अब यहाँ पे आप कुल राशि लिखो या मिश्रधन लिखो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पे आप मिश्रधन भी लिख सकते हो, जैसे मैंने, क्योंकि उन्होंने हमें क्या बोला, कुल राशि निकालिए, तो ये हमारा कुल राशि भी है और इसको हम कई कई जगहों पे आपसे बोला जाएगा मिश्रधन निकालिए, तो मिश्रधन कुल राशि एक ही होता है। तो यहाँ पे मिश्रधन भी लिख सकते हो, मिश्रधन माइनस में मूलधन, तो मिश्रधन हमारा कितना है 1537734, इसमें से घटाएंगे 10,800, तो हमारा कितना आ जाएगा 4577.34 रुपए, ठीक है। ये जो है इसका हमारा क्या निकल आया, चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि उसने 3 साल में 4577.34 रुपए जो है वो एक्स्ट्रा दिए, ठीक है। ये हो गया हमारा ए पार्ट। बी में देखते हैं, अब बी देखो 18,000 रुपए क्या है, यहाँ पे मूलधन है, 2.5 वर्ष के लिए लिया है, 10% जो है वो दर से लिया है मूलधन 18,000, समय कितना हो गया 2.5 वर्ष, यानी कि 2 साल और आधा वर्ष, दर कितनी है 10% प्रतिवर्ष, हर साल 10%। मिश्रधन यानी कि कुल राशि निकालने के लिए मूलधन जमा दर, एक जमा दर बटा में 100 समय, मूलधन 18,000, एक दर कितना 10/100, समय 2, 18,000 एलसीएम लेंगे यहां पर हम, इसका हम यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो नीचे हम इसके एक लगा देंगे, ठीक है, 100 का एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो हमारा कितना है, पहले तो हम यहाँ पे जो है 10 से 10 हमारी कट हो जाएगी, ठीक है। क्या बचेगा जब 10 से 10 कट हो जाएगी, मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको, बचेगा 1 जमा में 1/10। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, नीचे 10 आ गया, ठीक है, यही बचा हमारा कटने के बाद 1/10, नीचे एलसीएम का 10 आ गया, 1 को 10 से करेंगे 10, 10 को 1 से गुणा करेंगे तब भी 10, 10 को 10 से 1 भाग करेंगे तो 1, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 कितना आ गया 11/10, यही हमारा आ गया 18,000 11/10। अब 2 साल के लिए तो उसको हम दो बार लिखेंगे, 0 से 0 कट हो जाएगी यहाँ पर, बाकी जो बचेगा उसको गुणा कर देंगे। ये तो हमारा निकला 2 साल का, लेकिन समय कितना था 2.5, 2 और आधा, 2 साल का हमने निकाल लिया, आधे का अभी हमें यहाँ पे और निकालना है। तो आधे वर्ष के लिए हमने क्या करा, जितना भी हमारा ये है, जितना हमारा निकला है मिश्रधन 2 साल का, उसके साथ हम गुणा करेंगे 10/100, क्योंकि 10% पे मिला है, आधे साल का निकालना तो 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे 10 इससे कट जाएगी, 10 इससे कट जाएगी, बाकी सबको हम जो है आपस में गुणा कर देंगे। तो गुणा करने के बाद हमारा यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हमारा 2 बचेगा, 2 से हमारा 1 कट जाएगा, चाहे तो आप इसको पहले काट लो चाहे बाद में, यहाँ पे 2 1 2 हो जाएगा, देखो 2 1 2, यहाँ पे मैं आपको भाग करके दिखा देती हूँ 2 से, क्योंकि 2 से भाग होगा, 2 बचा हमारा नीचे, 2 1 2। अब 1 हमारा सिंगल है तो हमें दूसरी भी साथ में संख्या उतारनी तो हमें 0 लगानी पड़ेगी, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 8, ये हमारा 17 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 8 16, 1 उतार साथ में 6 1, ऊपर से उतारा हमने 8, 2 9 18, ठीक है। तो ये 0 जो है हमारा कट चुका है इसके साथ,
यहाँ पे जीरो नहीं आएगा क्योंकि जीरो कट चुका था। कितना है 1089 और आधे साल का कितना हो गया हमारा, आधे साल का हो गया हमारा 1089। तो ये हमारा कितना निकला, दो साल का। ये हमारा निकला हाफ ईयर का, आधे साल का। तो मिश्रधन कितना हो गया जो हमने दो साल का निकाला था, जमा जो हमने आधे साल का निकाला, ठीक है। दो साल का कितना था हमारा 21780 जमा आधे साल का ये था, दोनों को जमा करेंगे तो आ जाएगा 22,859 रुपए। ये हमारा मिश्रधन निकल आया 22,859। अब हमें चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए वही जो हमने फॉर्मूला पहले लगाया था, जो हमारा मिश्रधन है उसमें से हमें क्या घटा देना है, मूलधन घटा देना है। मिश्रधन कितना है हमारा यहाँ पे 22,859 घटा देंगे 18,000, ठीक है। आप दोनों को घटाएंगे तो आएगा 4,859 रुपए, ये हमारा ब्याज हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमारा बी हो गया। सी वाले में हमें जो है दे रखा है हमें 62,500 डेढ़ साल के लिए 8% प्रति वर्ष जो लगेगा। तो हमें इसमें ना अर्धवार्षिक निकालना है, यानी कि आधे साल का क्या निकालना है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर। अब यहाँ पे जो हमें डेढ़ साल दे रखा है, डेढ़ साल का जो है तीन छमाही हो गया, इनकी तीन छह महीने, एक साल में दो छह महीने फिर आधे साल में छह, इनकी तीन छमाही हो गया। और क्या दे रखा है यहाँ में 8% पर ईयर दे रखा है, लेकिन हमें इसको छिमाही में निकालना है अर्धवार्षिक। तो हम 8 का आधा कर लेंगे, दो से कर देंगे, इसको 4% हो गया। इनकी जब 6 महीने का निकालेंगे, 6 तीन महीने होगा ना, डेढ़ साल मतलब 3-6 महीने, तो हमने यहाँ पे 3 लिखना है समय में, 3-6 महीने। और अब हम जो दर लगाएंगे वो हम 4 लगाएंगे, 8 नहीं लगाएंगे क्योंकि हम 6 महीने का निकाल रहे हैं, ये पूरे साल का था। मिश्रधन निकालने का वही फॉर्मूला, यहाँ पे हम लिखेंगे मूलधन 1 जमा में 4/100, ठीक है। यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं, हमारा कट जाएगा 4 × 4, 4 × 2 = 8 और 2 इधर चला जाएगा, 4 × 5 = 20। एलसीएम ले लेंगे, क्या हो गया 1 जमा में 1/25 हो गया। एलसीएम ले लेंगे, 1 नीचे, 1 को 25 से करेंगे 25, 25 को 1 से गुणा करेंगे 25, 25 को 1 से भाग करेंगे 25, 1 को करेंगे तो हमारा आएगा 1, तो 26/25। देखो नीचे से हम नीचे वाली संख्या को इस नीचे वाली संख्या से भाग देते हैं, जो आता ऊपर वाले से गुणा कर देते हैं। इन दोनों को भाग दिया, 1 आया, फिर 1 को 1 से गुणा किया, 1 आ गया, तो कितना आ गया 26/5। अब 26/5 हमें 3 बार लिखना है क्योंकि 3 छमाही है। तो यहां पर हमारा क्या आ गया, मूलधन 26/25 और 26/25 हमें 3 बार लिखना है यहाँ पे क्योंकि 3 छमाही है। अब यहां पर देखो जो कट सकता है हम उसको काट लेंगे, सीधा 25 से ही कट जाएगा ये, 25 × 25, 25 × 50। फिर जब 25 × 50 हो जाएगा तो हमारा बचेगा यहाँ पर, अगर हम यहाँ पे भाग करके देखें, देखो अगर हम 25 से करते हैं और हमारा है ये, ठीक है, 25 × 50 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा 1, 2 ऊपर से उतारा हमने, 5, 125 बन गया। अब 25 × 5 जो है वो 125 हो जाएगा, 2 जीरो हमारी ऊपर चले जाएंगे, कितना आ गया यहाँ पे 2500। अब फिर से हम इसको 25 से काट देंगे, 25 × 25, 25 × 25 2 जीरो हो जाएगा, फिर 25 × 25 हो जाएगा और 25 × 100 हो जाएगा। अब बचा क्या 4, 26, 26 और 26, इन चारों को हम गुणा कर देंगे तो आ जाएगा हमारा यहाँ पर 7,304 रुपए हमारा मिश्रधन निकल आया। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए मिश्रधन में से मूलधन को माइनस कर दिया तो हमारा जो है चक्रवृद्धि ब्याज भी निकल आया, ठीक है। ये हो गया हमारा सी। डी में देखो 8,000 है मूलधन, 1 साल के लिए 9% वार्षिक दर है। यहाँ पे भी हमें अर्धवार्षिक रूप से निकालना है, 1 साल का मतलब होता है 2 छमाही, ठीक है। वही मिश्रधन का फॉर्मूला लगाएंगे, 2 छमाही है तो 9/2 ही कट नहीं सकता, सिर्फ 9/2 ही रखेंगे, तो 9/2 × 100 हो गया, बटा में तो 100 लिखना ही पड़ता हमें, 8,000 1 जमा 9/2, दोनों को गुणा कर दिया तो 200 बन गया। अब हमने यहाँ पे जब एलसीएम लिया तो 209/200 आ गया, एलसीएम लेना मैंने आपको बताया नीचे रख के 200, फिर 1 को 200 से करेंगे 200, 200 को 1 से गुणा करेंगे तो 200, ऐसे यहाँ पे 9 आएगा, 209 बन जाएगा ये। तो 209 जो अब हमें यहाँ पे 2 बार लिखना है क्योंकि 2 छमाही है। अब यहाँ पे ये यह हमारी 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कट जाएगी, 1 जीरो से 1 जीरो हमारी यहाँ पे कट जाएगी, बचेगा क्या 20। अब आप इसको जो है सीधा कौन से टेबल से काट सकते हो, 2 से कर सकते हो,
दो छुक 8 हो जाएगा, फिर 2 एकम 2 0, फिर 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो बचेगा क्या हमारे पास ऊपर, 2, 209 और 209। इन चार, इन तीनों को गुणा करेंगे, बटा में रखेंगे 5। इन दोनों को हमने भाग दिया तो हमारा जो मिश्र धन आया वो हमारा ये आ गया। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए मिश्र धन में से मूलधन को हमने घटा दिया तो ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज भी आ गया। ठीक है, अब हम ई देखते हैं। यहाँ पे इसका मूलधन देखो, यहाँ पे भी अर्धवार्षिक निकालना है, 10,000 दो छमाई हो गया, प्रतिशत कितना है दर 8, तो 8 बटा 2 तो 4 हो जाएगा। ठीक है, 4%। तो यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला लगा के 10 एक जमा में 4 बटा में 100 हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दुनी 8 हो जाएगा, और 4 पंजे 4 दुनी 8 और 4 पंजे 20, 1 बटा 25 हो गया। ऐसे में तो 26 बटा में 25 बन गया। दो छमाई है तो 2 बार लिखेंगे। ठीक है, 25 से इसको काट दो, 25 से कट जाएगा ये हमारा, 25 एकम 25 और 25 चौके 100, फिर कट जाएगा 25 एकम 25, फिर 25 अठे 400। ठीक है, ये हमारा, आप पहले काट लो फिर तीनों को गुणा कर लो, या फिर पहले गुणा करके बाद में काट दो। तो मेरे हिसाब से पहले ही काटना सही है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन हो जाती है। अगर कट रहा है तो पहले ही काट दो। ये हमने काट दिया तो आ गया हमारा ये। अब हमने जो है इन तीनों को गुणा किया तो हमारा मिश्र धन आ गया। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए मिश्र धन में से मूलधन को घटाया तो 816 रुपए हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ई। हमारा प्रश्न एक जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के प्रश्न करेंगे। सभी वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जहां पे हमारे चैनल का नेम लिखा है वहां पे क्लिक कीजिए, और ऊपर आपको प्लेलिस्ट लिखा दिखेगा वहां पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारी प्लेलिस्ट आ जाएगी। थैंक यू।